हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी धनबाद यानी झारखंड के तरफ से जो है वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है और इसमें इलेक्ट्रिकल की भी सीट है। तो पूरा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। आपका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 23 अगस्त को पब्लिश हुआ है। और जैसा कि यहाँ पर जो है आपका बीटेक के लिए भी कुछ पोस्ट निकला हुआ गया है और यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीटें निकली हुई है। और टेक्नीशियन जूनियर असिस्टेंस के लिए 74 सीट हैं, बाकी डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर आपका अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इन्होंने जो है जूनियर टेक्नीशियन के लिए इतने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल का टोटल 15 सीट है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का 19 है, मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर सीट है 40। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है 4 पोस्ट निकली हुई हैं, तो अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो है 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है और इतने ब्रांच वाले जो है एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर का जो 3 पोस्ट है इसमें बीटेक प्लस आपका BSc भी मांगा हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन जो यहाँ पर दिया गया है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री मांगा हुआ है और एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी असिस्टेंस रजिस्ट्रार करके यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है। और यहाँ पे जो है जूनियर असिस्टेंस यहाँ पे जो है बीटेक मांगा हुआ है। और लास्ट में हम अगर बात करते हैं जो चौथा पोस्ट था जूनियर टेक्नीशियन के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपका डिप्लोमा मांगा गया है, 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और यहाँ पे जो है ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगले इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ITI या फिर NCVT, मतलब आपको ITI वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप लोग भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ जनरल कंडीशन दी गई है, तो आप लोग कंडीशन को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी लिंक भी जो है आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है टोटल नंबर रिटेन टेस्ट होगा आपका जो है 80 नंबर का, बाकी कुछ कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट होंगे 20 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स होंगे। तो उस पर आपका थोड़ा सा, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी यहाँ पर जो है आपका लिया जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल जो आपके यहाँ पे जो फीस है आपका जूनियर टेक्नीशियन इसके लिए जो है 500 रखी गई है, जो आपका 3 इयर्स डिप्लोमा मांगा गया है, बाकी अदर के लिए 1000 है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी दिया गया है, ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आप जो है आज से स्टार्ट कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है 2 नौ से स्टार्ट होगा, 4/11 तक ये चलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट के अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो आपको लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। तो बस एक ये न्यूज़ था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।